नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। पीएम बोले, शहजादे ने अडानी अंबानी को गाली देना बंद किया। बताएं रातों रात ऐसी क्या डील हुई जो चुप्पी साध ली। क्या टेम्पो भरकर माल पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तेलंगाना के करीम नगर में पहली बार अडानी अंबानी का नाम लेते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पिछले 5 सालों से कांग्रेस के शहजादे दिन रात एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति अंबानी और अडानी, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया है, क्यों। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं कांग्रेस के शहजादे से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अडानी और अंबानी से कितना माल उठाया है। काला धन के बोरे भर के रुपए मारे हैं। कांग्रेस पार्टी को चुनाव के लिए उन उद्योगपति से कितना माल मिला। क्या टेम्पो भरकर माल पहुंचा है। पीएम के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, वक्त बदल रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा। 3 चरणों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद आज प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए हैं। इससे पता चलता है कि मोदी जी की कुर्सी जगमगा रही है, यही परिणाम के असली रुझान है। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की संसद में वो तस्वीर शेयर की जिसमें वो मोदी और अडानी का फोटो दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने लिखा, सवाल ऐसे करो कि भ्रष्टाचारी भी सफाई देने लगे। सवाल अब भी वही है, मोदी का अडानी से रिश्ता क्या है। मोदी बोले, राहुल के अमेरिका वाले अंकल को दक्षिण भारतीय अफ्रीकन जैसे लगते हैं। पीएम ने वारंगल की रैली में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, अमेरिका में शहजादे के फिलोसोफर और गाइड अंकल हैं, वे कांग्रेस पार्टी में थर्ड एम्पायर की तरह काम करते हैं। उन्होंने कहा है कि दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकन जैसे लगते हैं। पीएम ने कहा, आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, लोग मुझे गाली दें तो मैं सह लूंगा, लेकिन शहजादे के फिलोसोफर ने देश के लोगों को इतनी बड़ी गाली दी है कि मेरे मन में गुस्सा भर गया है। क्या मेरे देश में चमड़ी का रंग देखकर लोगों की योग्यता तय होगी। संविधान सर पर लेकर नाचने वाले लोग देश का अपमान कर रहे हैं। तेलंगाना के लोगों ने मेरा 10 साल का काम देखा। प्रधानमंत्री ने कहा, तेलंगाना के लोगों ने पिछले 10 साल में मेरा काम देखा है। आपके एक वोट ने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।